सो वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। तो जैसा कि आपको पता है सर, हमारी रैंडम सीरीज चल रही है सर, और बहुत लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो आज मैं उसके लिए दोबारा पार्ट टू रैंडम सीरीज का लाने जा रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सर, रैंडम सीरीज में हम लोग कर क्या रहे थे। रैंडमली हम लोग कॉन्सेप्ट उठा रहे थे, रैंडमली हम लोग फॉर्मूला उठा रहे थे, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो आपको भूलना नहीं है सर, भूलना नहीं है। मैं जितने चीजें आपको बता रहा हूं सर, वो आपके एग्जाम में आई है सर, वो आपके एग्जाम में आई है और बिल्कुल आएगी आगे भी। तो आपको भूलना नहीं है और एकदम जुड़े रहना है साथ में, एकदम तबाही मचाएंगे बोर्ड में, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, कंप्यूटर की तैयारी करो। उसके लिए मैं एकदम चुन चुन के कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, वो चीजें आपसे डिस्कस की जाएगी। तो सर, आप क्या बताने वाले हो आज? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट टॉपिक मैंने आपको छोड़ा था सर, फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पे। सर फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सर फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सर फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पे मैंने छोड़ा था। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि सर फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा था। इसमें आपसे एक चीज पूछी जाएगी जो कि मैं आपको उस लेक्चर में कवर नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम की कमी थी। ये चीजें आपके एग्जाम में आती हैं और बिल्कुल आएंगी, इस बार फिर से आएंगी। सर क्या है वो चीज, सर वो क्या चीज है? सर आपने सुना होगा दो कॉन्सेप्ट के बारे में, सर पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस, सर दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस। सर पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस और सर दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है सर। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, सर सेल्फ इंडक्टेंस, सर सेल्फ इंडक्टेंस, सर सेल्फ इंडक्टेंस, सर सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद की बात हो रही है। सेल्फ मतलब खुद का, सर खुद का मतलब सर खुद में करेंट फ्लो कराएगा, बिल्कुल कराएगा, मतलब सर खुद में फ्लक्स चेंज कराएगा, बिल्कुल कराएगा, मतलब सब कुछ खुद ही में हो रहा है, मतलब सब कुछ खुद ही में हो रहा है। जब सब कुछ खुद ही में हो रहा है तो इसलिए तो उसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस है, जब सब कुछ खुद ही में हो रहा है इसलिए तो इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस है। That is called self-inductance. मतलब सर सब कुछ खुद ही में हो रहा है, सब कुछ खुद ही में हो रहा है, that is called self-inductance. तो इसी को क्या बोलते हैं सर, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आपको जो भी पढ़ना है सर, कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ना है आपको मतलब लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है, मतलब आपको लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है, आपको लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। तो आपको ये भूलना नहीं है सर। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद में करंट फ्लो करा रहा है, बिल्कुल करा रहा है, मतलब खुद में फ्लक्स चेंज करा रहा है, बिल्कुल करा रहा है। तो आपको ये भूलना नहीं है, सब कुछ खुद ही हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सर मुझे समझ में आ गया सर। सर फॉर्मूला बता दोगे तो मजा आ जाएगा, सर फॉर्मूला बता दोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ तो मैं आया किस लिए हूँ, फॉर्मूला ही बताने के लिए आया हूँ, ठीक है सर। सर फाइव इतना ही फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, बहुत छोटा फॉर्मूला है, इस पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है सर। सर बोल रहे थे आप दो, लेकिन आपने एक ही बताया। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरा टॉपिक जो है हमारा इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो क्या है सर? म्यूचुअल इंडक्टेंस, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल जैसे ही आता है आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी अगर आपने रिलेट की होगी तो। सर म्यूचुअल लेते हैं सर, हंसी कैसे आ जाएगी सर, मुस्कान कैसे आएगा सर? आ जाएगा सर, क्यों आ जाएगा सर? म्यूचुअल मतलब दो लोगों की बात कर रही है और दो लोगों के बाद आपको पता ही है सर, आपके दिमाग में आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है, जीएफ पीएफ आपको दिमाग में यही चलता रहता है, पता ना क्यों चलता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दो लोगों की बात करिए सर, मतलब दो लोगों की बात करिए तो सर जीएफ पीएफ से क्या रिलेटेड है? सर दो लोगों का मतलब यहाँ पे कॉइल, कॉइल की बात हो रही है सर, सर यहाँ कॉइल की बात हो रही है, 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 सर यहाँ कॉइल की बात हो रही है। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होगा सर, एक कॉइल यहां होगा सर, एक कॉइल यहां होगा सर, एक कॉइल यहां होगा सर, एक कॉइल होगा सर। इसमें करंट फ्लो कराओगे, बिल्कुल कराएंगे सर। इसमें फ्लक्स चेंज कराओगे, बिल्कुल कराएंगे। लेकिन इसका इफेक्ट इस पर आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट इस पर आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट इस पर आएगा। मतलब सर एक में चेंज कराना है, करंट का फ्लो कराना है, फ्लक्स का चेंज आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे पे आएगा। हाँ जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल में क्या होता है कि सर एक कॉल इधर होता है, सर एक कॉल इधर होता है। इसमें आप फ्लो कराओगे करंट का, इसमें हर चीज कराओगे, लेकिन इसका इफेक्ट उस पर भी आएगा, इसका इफेक्ट उस पर आएगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब दो लोगों की बात हो रही है, मतलब दो कॉल की बात हो रही है, मतलब दो सोनेट की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है सर। सर इसका ही फॉर्मूला बता दो। हाँ जी बिल्कुल बता देंगे सर, फाई इज इक्वल टू एम आई, सर फाई इज इक्वल टू एम आई, सर यही फॉर्मूला है सर। अभी आपने बोला एम आई, एम आई सर, एम आई म्यूचुअल इंडक्टेंस और फॉर्मूला भी एम आई सर, ये क्या बताओ जी? बिल्कुल यही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल यही बता रहा हूं मैं सर। फाइव इज इक्वल टू एल आई, सर मेरा फॉर्मूला आ गया सर, फाइव इज इक्वल टू एल आई।
और सर फाई इज इक्वल टू एम आई, सर कितने आसानी से बता दिए। हाँ जी ये बहुत ही आसान था, हाँ जी ये बहुत ही आसान था सर, फाई इज इक्वल टू एल आई और सर फाई इज इक्वल टू एम आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई और सर फाई इज इक्वल टू एम आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर फाई इज इक्वल टू एम आई सर फाई इज इक्वल टू एम आई। सर बहुत आसानी से बता दिए। सर एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है इसका जो कि मुझे समझ नहीं आता है, जो कि सर ईएमएफ से रिलेटेड होता है, जो कि सर ईएमएफ से रिलेटेड होता है। सर कौन सा फॉर्मूला होता है, सर कौन सा फॉर्मूला होता है, ये आपको समझ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया सर फाइव इज इक्वल टू एम आई। सर दोनों एकदम सेम सेम लग रहा है, सर मैं भूलूंगा नहीं, सर मैं वादा कर रहा हूँ सर, अब ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। सर कैसे नहीं भूलूंगा, सर फाइव इक्वल टू एल आई और सर फाइव इक्वल टू एम आई, सर फाइव इक्वल टू एल आई और सर फाइव इक्वल टू एम आई, सर मैं अब कभी नहीं भूलूंगा, बिल्कुल सर मजा आ गया सर। ठीक है सर, अभी मैं आपको पढ़ाने के बाद सारा फॉर्मूला भी लिख दूंगा क्या क्या होता है। सर अभी आप बात कर रहे थे सर एक दो फॉर्मूला और उसका होता है जो कि मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी दिमाग पे आता नहीं है। ठीक है सर, सर वो कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए आपको मैं ईएमएफ का फॉर्मूला बता दूं जो कि आपको मैं बता रखा है, जो कि मैंने आपको बता रखा है सर, कॉइल था और मैग्नेट को पास जाते हैं ईएमआई प्रिंसिपल, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो मुझे अपने पास ले आओ मेरी ताकत फिक्स रहेगी, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो मुझे अपने पास ले आओ मेरी ताकत फिक्स रहेगी, लेकिन मेरा प्रभाव मेरा इफेक्ट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है सर, ये मुझे आप बताए थे और सर इस शायरी की तरह सर मुझे याद हो जाता है, सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अभी आप बता रहे थे ईएमएफ, तो ईएमएफ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस डी फाई बाई डी टी। सर ये फॉर्मूला होता है, सर यही फॉर्मूला बता रहे थे क्या, सर ये तो मुझे पता है, सर यही फॉर्मूला बोल रहे थे क्या, जिससे देख के लोग डर जाते हैं जो मैं भूल जाता हूं, नहीं सर ये फॉर्मूला नहीं बोल रहे थे, सर सर ये फॉर्मूला हम नहीं बोल रहे थे, ये फॉर्मूला सबको पता होता है सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड वो फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके सामने डेराइव करने जा रहा हूँ, जो कि आपको भूलना नहीं है। ठीक है सर, सर डेराइव कर दो सर मजा आ जाएगा, सर डेराइव कर दो सर मजा आ जाएगा। सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है सर, सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। सर पहला, सर पहला, सर पहला, सर क्या पहला, सर पहला पहला था सर एल आई, पहला क्या था सर, पहला क्या था सर, फाई इज इक्वल टू एल आई। सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। सर इसका मतलब एक बार बता दो तो और मजा आ जाएगा। ठीक है सर, वो भी बता देते हैं। सर फ्लक्स का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, सर फ्लक्स का चेंज हो रहा है सर टाइम के रिस्पेक्ट में। सर डी क्या है, डी सर छोटे से चीज के लिए जब बात करते हैं, सर डी एक्स छोटा सा डिस्टेंस, सर डी वी छोटा सा वेलोसिटी, सर डी ए छोटा सा एक्सीलरेशन, सर डी टी छोटा सा टाइम, मतलब छोटे से चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सर माइनस डी फाइव बाई डी टी आ गया, सर माइनस डी फाइव बाई डी टी आ गया। सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, सर ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है सर, सर फाई इज इक्वल टू एल आई पहले से दिया है, सर फाई इज इक्वल टू एल आई पहले से दिया है, बहुत बढ़िया बात। सर फाई की जगह इसको रख नहीं देंगे, सर फाई की जगह इसको रख नहीं देंगे। ठीक है सर, रख देते हैं। तो सर ई इज इक्वल टू माइनस डी, सर फाई की जगह इसको रखेंगे तो सर एल आई हो गया। हाँ जी वही तो रख दिया, सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है सर, सर डी टी, सर डी टी, सर डी टी, सर एल कॉन्स्टेंट है, सर एल कॉन्स्टेंट है, उसमें एम कॉन्स्टेंट है, इसमें एल कॉन्स्टेंट है, उसमें एम कॉन्स्टेंट है, इसमें एल कॉन्स्टेंट है। सर किसमें एम कॉन्स्टेंट है, सर म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम कॉन्स्टेंट है। सर किसमें एल कॉन्स्टेंट है, सर सेल्फ इंडक्टेंस में एल कॉन्स्टेंट है। ठीक है सर, तो सर ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है सर, सर डेराइव करके बता दिए, सर मजा आ गया, सर सर मजा आ गया, सर डेराइव करके आप बता दिए, सर मजा आ गया। तो सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सर कुछ नहीं करना है, सर कुछ नहीं करना है, सर क्या करना है, सर ये हमको पता है, सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, सर मुझे पता है, सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई, सर फाई इज इक्वल टू एल आई। सर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी, सर फाई की जगह एल आई, सर फाई की जगह एल आई जो कि मैंने आपको बता रखा है, सर फाई की जगह एल आई जो कि मैंने आपको बता रखा है, और डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सर एल को बाहर लाएंगे, सर एल को बाहर लाएंगे। सर कोई भी कॉन्स्टेंट चीज होती है तो फिजिक्स बोलती है उसको बाहर लेके आओ, सर कोई भी कॉन्स्टेंट चीज होती है तो उसको फिजिक्स बोलती है कि उसको उठाओ बाहर ले आओ, तो एल को बाहर ले आए तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। सर मजा आ गया, सर कैसे मजा आ गया, सर मेरे पास कॉमन सेंस है, सर कैसे कॉमन सेंस है, सर एक आपने बता दिया फाइव इज इक्वल टू एल आई, सर उसे मैंने समझ लिया फाइव इज इक्वल टू एम आई, दोनों सेम सेम है, तो सर इसमें भी सेम सेम रहेगा, बिल्कुल सेम सेम रहेगा, सर इसमें भी सेम सेम रहेगा, बिल्कुल सेम सेम रहेगा, सर इसमें कुछ नहीं करना है, सर इसमें कुछ नहीं करना है, सर इसमें कुछ नहीं करना है। सर फाइव इज इक्वल टू एल आई था और सर फाइव इज इक्वल टू एम आई था, सर ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई
dt था, emf इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी था, emf इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी था। आपको कुछ नहीं करना है, फाई की जगह एक बार li रख देना है और फाई की जगह एक बार mi रख देना है। आपको कुछ नहीं करना है, फाई की जगह एक बार li रख देना है, फाई की जगह एक बार mi रख देना है, ठीक है सर। तो emf इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी और emf इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सर ये तो दोनों एकदम सेम सेम लग रहे हैं, सर ये दोनों तो एकदम सेम सेम लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सेम सेम है सर, emf इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी और सर emf इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। सर मुझे बिल्कुल समझ में आ गया सर, अब मैं डिराइव भी कर लूंगा सर, कुछ नहीं करना है सर। एक बार और बता दो सर, बिल्कुल बता देते हैं सर। phi इक्वल टू li, सर phi इज इक्वल टू li और सर phi इज इक्वल टू mi। सर emf इक्वल टू माइनस डी phi बाई डी टी, सर emf इज इक्वल टू माइनस डी phi बाई डी टी, सर phi इज इक्वल टू li, सर फाइव इक्वल टू एम आई। एक बार एल आई रख दो, एक बार एम आई रख दो, एक बार एल आई रख दो, एक बार एम आई रख दो, ठीक है सर। सर एल आई रखा तो एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सर एम आई रखा तो एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो सर ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सर ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सर ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक है सर। सर बहुत मजा आ गया सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ सर, बहुत मजा आ गया। तो आपको ये चीजें भूलनी नहीं है, 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 ठीक है सर। सर मजा आ गया सर, सर मजा आ गया मुझे, सर मजा आ गया सर, मैं कभी नहीं भूलूंगा बिल्कुल। अब आप नहीं भूलोगे सर, आज पूरा एकदम मुफलर उफलर लगा के आयो। हाँ यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ बहुत ठंड है आज बनारस में, आज बहुत ठंड है बनारस में, आज बहुत ठंड है, तो इसलिए मैं मुफलर उफलर लगा के आया हूँ। और आपको भी एकदम बच के रहना है सर, फोन ओन निकाल रहे हो? हाँ सर, ठीक है सर। सर फोन लगाया, हाँ सर फोन निकाले हैं सर, महफिल जम गई है सर, ठंड इतनी ज्यादा है कि एक शायरी मारने का मन कर रहा है, ठीक है सर मारेंगे सर। आपको रिलेट करना है कि ये किससे रिलेटेड शायरी है, बस मैं बोल दूंगा। हमें बर्बाद करना है तो हमसे प्यार करो, हमें बर्बाद करना है तो हमसे प्यार करो, नफरत करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे, नफरत करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। सर एक बार और सर, एकदम स्टाइल वाला शायरी है। हमें बर्बाद करना है तो हमसे प्यार करो, हमें बर्बाद करना है तो हमसे प्यार करो, नफरत करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे, ठीक है सर। सर इसीलिए गमछा उमछा लगा के आए थे सर, गमछा नहीं है सर, ये मफलर है, ठीक है सर। तो इसलिए बीच बीच में हम बोलते रहते हैं ताकि आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है सर। सर मजा आ गया सर। सर आप क्या बताओगे सर, सर दूसरी शायरी मारोगे? नहीं नहीं दूसरी शायरी नहीं मारेंगे, रैंडम सीरीज चल रही है। तो सर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, डाइपोल, डाइपोल में डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे, जो बोर्ड एग्जाम है सर उसमें आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा। सर क्या पूछा जाएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता रखी है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने बता रखी है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता रखी है, जो कि सर मैंने आपको पहले ही बता रखी है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे एक चीज पूछी जाएगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे एक चीज पूछी जाएगी सर, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, सर एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। सर ये क्या होता है सर, सर ये क्या होता है? इसमें डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा, अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो इसमें आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा। सर क्या पूछेगा वो? सर डाइपोल से रिलेटेड पूछेगा सर, डाइपोल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बोल रहे हो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, सर शॉर्ट डाइपोल पूछेगा, ये डाइपोल पूछेगा। सर उससे पहले डाइपोल बता दे तो मजा आता, ठीक है सर हम हटा देते हैं इसको, ठीक है सर हम इसको हटा देते हैं। सर डाइपोल, सर डाइपोल, सर डाइपोल, सर डाइपोल मतलब दो पोल, सर दो पोल, सर दो पोल, सर पोल नहीं सर, पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा उसकी बात करेंगे। डाइपोल यहाँ से चार्ज से रिलेटेड है सर, डाइपोल यहाँ चार्ज से रिलेटेड है सर, प्लस क्यू सर माइनस क्यू, सर प्लस क्यू माइनस क्यू, सर प्लस क्यू माइनस क्यू लिखते ही, सर प्लस क्यू माइनस क्यू लिखते ही मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, सर प्लस क्यू माइनस क्यू लिखते ही मेरे दिमाग में सवाल आ गया। सर बहुत तेज सोचते हो आप, सर ये सवाल जेई में पूछा गया है, सर ये सवाल जेई में पूछा गया है, सर ये सवाल जेई में पूछा गया है। सर वहां कैसे पूछा गया था? सर स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, इसलिए बहुत सारा दिक्कत हुआ था। डायरेक्ट पूछते तो लोग कुछ लोग कर लेते हैं, और सीधे सीधे उसको उठा के नीट में पूछा गया, फिर क्या पता सीयूटी में पूछा जा सकता है। सर ये क्या बता रहे हो सर, पहले जेई में पूछा गया सर, फिर नीट में पूछा गया, फिर सर सीयूटी में पूछा जा सकता है। हाँ मेरा एक फंडा है, जैसे फिजिक्स बोलती है सर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सर इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसी तरह मेरा एक फंडा है, मेरा एक रूल है, ये मेरा रूल है, बाकी लोग बोलते होंगे सर क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सर क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अदर एग्जाम।
इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अदर एग्जाम. सिर्फ यही फंडा होता है कि हर एग्जाम में आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं होता है, एक एग्जाम का क्वेश्चन को उठा के थोड़ा सा उसकी वैल्यू चेंज करके दूसरे एग्जाम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बस यही बात है. ठीक है सर. तो सर आप क्वेश्चन बता रहे थे, सर क्वेश्चन बताओ सर. सर प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल की बात हो रही है सर, दो चार्जेस हैं. डाइपोल का डायरेक्शन पूछा था सर, सर एग्जाम में क्या पूछा था सर, डाइपोल का डायरेक्शन पूछा था. और बहुत लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ही माइनर लाइन दी है, बहुत ही माइनर लाइन दी है एनसीईआरटी में कि सर डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है. सर डाइपोल का डायरेक्शन, सर डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा आपको याद रखना है सर, हमेशा 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 क्या हमेशा, हमेशा माइनस से प्लस क्यू, 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 मतलब हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाएगा. डाइपोल हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, डाइपोल हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, डाइपोल हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाएगा. सर ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर. माइनस से प्लस की तरफ जाएगा डाइपोल हमेशा सर, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा. ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया सर, सर मुझे समझ में आ गया सर. ठीक है सर. सर एक्सियल लाइन आप बता रहे थे वहां बता दो सर, मुझे डाइपोल समझ में आ गया सर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इक्वेटोरियल. ठीक है सर, इक्वेटोरियल. ठीक है सर. सर एक्सियल पे आपसे पूछेगा शॉर्ट डाइपोल, बोलेगा शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मुला बताइए, जो कि डायरेक्ट आपसे पूछता है, या फिर आपसे पूछेगा कि सर उसको डेराइव कीजिए. अगर आप बोर्ड के एग्जाम हो तो बोलेगा डेराइव कीजिए, अगर आप सीटी दे रहे हो तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मुला पूछ सकता है, अगर आप नीट या जेई दे रहे हो तो आपसे फॉर्मुले पे क्वेश्चन पूछेगा. तो सर फॉर्मुला बता दो सर, सब कुछ हो जाएगा सर. टू केपी बाई आर क्यू. सर इक्वेटोरियल का बता दो सर, माइनस केपी बाई आर क्यू. सर माइनस केपी बाई आर क्यू, माइनस केपी बाई आर क्यू. सर टू केपी बाई आर क्यू. सर माइनस केपी बाई आर क्यू. सर टू केपी बाई आर क्यू. सर माइनस केपी बाई आर क्यू. सर टू केपी बाई आर क्यू. सर माइनस केपी बाई आर क्यू. सर टू केपी बाई आर क्यू. सर माइनस केपी बाई आर क्यू. ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, ये चीजें आपको भूलनी नहीं है. ठीक है सर, मैं नहीं भूलूंगा. सर एक्सियल का फॉर्मूला क्या होगा सर, टू केपी बाई आर क्यू. और सर इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होगा सर, माइनस केपी बाई आर क्यू. सर इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होगा सर, माइनस केपी बाई आर क्यू. ठीक है सर, मैं नहीं भूलूंगा सर, सर मैं नहीं भूलूंगा सर, मैं नहीं भूलूंगा. ठीक है सर. सर इतनी बातें मुझे समझ में आ गई सर, सर इतनी बातें मुझे समझ में आ गई सर. अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता रखा है सर, अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया सर. पहला फॉर्मूला सर, पहला फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई. सर दूसरा फॉर्मूला सर, फाई इज इक्वल टू एम आई. सर तीसरा फॉर्मूला सर, तीसरा फॉर्मूला सर, तीसरा फॉर्मूला सर, ईएमएफ सर, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. सर चौथा फॉर्मूला सर, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी. सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू केपी बाई आर क्यू. सर एक्सियल के लिए सर, माइनस केपी बाई आर क्यू. इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए ये चीजें आपको मैंने बता दी. और एक चीज बता दी क्या सर, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमेशा माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस. डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस क्यू होता है. ठीक है सर. सर इतनी बातें आपने बता दी सर, मजा आ गया सर. इतनी बातें सर बता दी, मजा आ गया. सर एक कॉन्सेप्ट पूछता है सर टॉर्क का. सर एक कॉन्सेप्ट पूछता है टॉर्क का सर, बहुत एग्जाम में सर वो देखा गया है सर, मुझे बहुत दिक्कत होती है समझने में. ठीक है सर, ये नोट आप कर लेना, ये आप नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना. ठीक है सर. ठीक है सर. सर क्या था वो, सर वो क्या था, सर वो क्या था, सर ये था सर. ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सर 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 ये क्या है, सर बस कर दो, सर बस कर दो. ठीक है सर. सर इतना रहने देते हैं. सर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है सर. सर ये क्या है, फील्ड है हमारा. हमने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी आप फील्ड में आओगे तो फोर्स लगेगा, झगड़ा हो जाता है दूसरे स्कूल से, दूसरे स्कूल झगड़ा हो जाएगा, बोलेगा तुम मेरे फील्ड में आना फिर आपको बताएंगे, आप मेरे फील्ड में आना फिर आपको बताएंगे. अपने घर में तो सब शेर होते हैं, इलाका किसी का भी हो धमाका अपना होना चाहिए, इलाका किसी का भी हो धमाका अपना होना चाहिए. ठीक है सर. ठीक है सर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर. सर ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लाके रख दिया है सर, डाइपोल डेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ठीक है सर. सर प्लस क्यू और माइनस क्यू को हमने लाके रख दिया, सर प्लस क्यू और माइनस क्यू को हमने लाके रख दिया, सर प्लस क्यू और माइनस क्यू को हमने लाके रख दिया. ठीक है सर.
सर सीधे ला के रखे हो सर कुछ चेंज नहीं आएगा, सर चेंज आएगा, सर चेंज आएगा। अभी हमने उठाया है एक डंडी को, उठाया है उठा के यहाँ रख दिया है, उसको उठाया है उठा के यहाँ रख दिया है, इसको उठाया है उठा के यहाँ रख दिया है। जैसे ही इसको उठा के यहाँ रखे हैं, जैसे ही इसको उठा के यहाँ रखे हैं, जैसे ही इसको उठा के रखे हैं, तो ये हटेगा यहाँ से, ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हटेगा जैसे ही, ये जैसे ही हटेगा तो ये सारा मिलेगा ऐसे, ठीक है सर। तो आपको कुछ नहीं करना था, एक डंडी को उठानी है यहां से, एक डंडी उठाई है, एक डंडी मैंने उठाई है यहां से, ये डंडी उठाई है मैंने और डंडी को उठा के यहां रखा है। इसको जैसे ही लाके रखा है मैंने फील्ड में, इसको उठा के मैंने जैसे ही फील्ड में लाके रखा है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, जैसे ही प्लस क्यू और माइनस क्यू मैंने उठा के रखा है, तो जैसे ही आप रखोगे इसको, जैसे ही सर फील्ड में लाके रखोगे, जैसे ही इसको फील्ड में आके रखोगे, जैसे ही इसको फील्ड में लाके रखोगे सर, जैसे ही इसको फील्ड में लाके रखोगे सर, जैसे ही इसको फील्ड में लाके रखोगे, जैसे ही सर इसको फील्ड में लाके रखोगे आप, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा सर, प्लस क्यू माइनस क्यू। सर क्यों चेंज आएगा? सर मेरा ये फील्ड था, सर ये मेरा फील्ड था, सर ये मेरा फील्ड था, फील्ड में उठा के मैंने चार्ज को रखा है, फील्ड में उठा के मैंने चार्ज को रखा, चार्ज को जैसे रखा है उसमें थोड़ा सा टॉर्क लगेगा सर, टॉर्क सर, टॉर्क सर, डाइपोल बता रहे थे सर, फील्ड बता रहे थे सर, इसमें टॉर्क लेते हैं, हाँ टॉर्क मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आपने चार्ज को लाके रखा है तो उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो क्या होगा सर, घूम जाएगा सर, घूम जाएगा सर। टॉर्क मैंने पढ़ा है सर, क्लास 11 में मैंने पढ़ा है सर। टॉर्क क्या होता है सर? टाउ सर। टॉर्क क्या होता है सर? टाउ सर। टॉर्क होता है टाउ सर। इसका फॉर्मूला बता दो सर। टाउ होता है सर आर क्रॉस एफ सर। टाउ होता है आर क्रॉस एफ सर। टाउ होता है सर आर क्रॉस एफ सर। टाउ होता है आर क्रॉस एफ सर। टाउ होता है आर क्रॉस एफ। तो सर टाउ इज इक्वल टू सर क्रॉस आ रहा है सर, आपने बता रखा है सर, क्रॉस आ रहा है मतलब कॉस नहीं लेना है, कॉस नहीं लेना है मतलब साइन लेना है। तो सर टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सर क्रॉस आ रहा है मतलब कॉस नहीं लेना है सर, कॉस नहीं लेना है तो क्या लेना है सर? आर एफ साइन थीटा लेना है, ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। तो मैंने उसको उठा के लाके रखा है, उठा के जैसे ही लाके रखा है तो फील्ड में जैसे ही लाओगे या फील्ड में जैसे ही लाओगे तो उस पर फोर्स लेगा, फील्ड में जैसे ही आप लेके आओगे तो उससे फोर्स लेगा, फोर्स लेगा मतलब टॉर्क लेगा, टॉर्क लेगा मतलब आर क्रॉस एफ लेगा, आर क्रॉस एफ लेगा मतलब कॉस नहीं आएगा, कॉस नहीं आएगा मतलब साइन आएगा, कॉस नहीं आएगा मतलब साइन आएगा। तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर इसमें क्या पूछेगा? इसमें जो फॉर्मूला पूछता है सर, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। सर P का भी फॉर्मूला बता दो सर, P का भी फॉर्मूला बता दो सर। P जो होता है ना वो चार्ज इंटू पूरा लेंथ होता है 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ये बातें आपको नहीं भूलनी है, इतनी बातें आपको नहीं भूलनी है सर। क्या सर? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इस पर सवाल पूछा जा चुका है, आप PYQ उठाना, आप देखना, इस पर सवाल आ चुका है सर। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा सर, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा सर, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इस पर सवाल पूछा जा चुका है। और पी, पी की वैल्यू पे भी सवाल पूछा जा चुका है, जो कि चार्ज इंटू टू लेंथ होता है, पूरा लेंथ होता है, दैट इज 2L, दैट इज 2L। तो ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ठीक है सर। सर इतना मुझे समझ में आ गया सर, सर इतना मुझे समझ में आ गया, ठीक है सर, इतना मुझे समझ में आ गया सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो सर ई, सर E इज इक्वल टू के क्यू बाई स्क्वायर, मैंने बता रखा है। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया तो अभी लिखते समय मेरे दिमाग में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पर सवाल आपके डिट्टो आता है एग्जाम में, इस पर सवाल पूछा जा चुका है और 2 से 3 नंबर में पूछते हैं और बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल सवाल आता है सर। सर क्या? सर क्या? सर क्या? सर इस पर जो सवाल पूछता है सर, ई, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। सर इसमें क्या लिखे हो आप? सर डी मुझे समझ में आ गया सर, डी मतलब आ गया मतलब छोटे सी चीज की बात करेंगे, मतलब वी मतलब यहाँ वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पोटेंशियल की बात हो रही है, और आपको पता है डिस्टेंस, ठीक है सर। सर ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, एक लाइन आपको नहीं भूलना है, एक लाइन आपको नहीं भूलना है, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिन लोगों ने भी पढ़ाई की इनको पता है कि एग्जाम कंपटीशन में इस टॉपिक पर सवाल पूछी जा चुकी है, नीट के एग्जाम में, नीट और जेई, नीट और जेई में ये पूछा जा चुका है आपसे। सर क्या पूछा जा चुका है सर, एक बार बता दो सर। एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो सर, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, as we move in the direction of electric field, as we move in the direction of electric field potential decreases, as we move in the direction of electric field potential decreases, to electric field,
डीवीवाई टी आर सर पीछे साइन लिखा था माइनस, हाँ सर माइनस, सर माइनस क्यों, क्योंकि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये लाइन आपको नहीं बोलनी है, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो सर ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, और सर माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, हमारा पोटेंशियल गिरेगा, इसलिए हमने बोला एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस सीरीज का नाम ही रैंडम सीरीज है, और सीरीज का नाम इसलिए रैंडम सीरीज है क्योंकि रैंडमली हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, और वही कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आ चुका है, जो कि एग्जाम में आता रहता है, और फिर से वही घुमा फिरा के पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अदर एग्जाम। ठीक है सर, सर ये भी मुझे समझ में आ गया, सर बहुत ही मजेदार सीरीज है, सर मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है सर, तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, आपको ये भूलना नहीं है, आपको ये एकदम नहीं भूलना है। ठीक है सर, मुझे मजा आ गया सर। ठीक है सर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपसे बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, और बस इतना पता होना चाहिए सर E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, तो एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे हमारा पोटेंशियल घटेगा, हमारा पोटेंशियल गिरेगा, हमारा पोटेंशियल गिरेगा, हमारा पोटेंशियल घटेगा, इसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। सर मजा आ गया सर, मुझे मजा आ गया सर, सर मुझे मजा आ गया सर, सर मुझे मजा आ गया सर। ठीक है सर, तो ये बातें आपको एकदम नहीं भूलनी है, ये बातें जितनी भी बातें मैंने बहुत सारी बातें बता दी एक ही लेक्चर में, मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि सर समय बहुत ही कम बचा है, सर समय बहुत ही कम बचा है, और मुझे ऐसा ही लेक्चर चाहिए, मुझे ऐसा ही लेक्चर चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप विश्वास मानो, जब एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा सर इसने, सर ने ये बात बोली थी और ये बात आपके एग्जाम में आई है, आपके एग्जाम में ये बात आई है, तो आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, बहुत चीजें मैंने आपको बता रखी है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो आपको एकदम ये भूलना नहीं है, तो आपको एकदम मतलब फॉलो करते रहे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम सारे लेक्चर में, और वही चीजें आपको डिस्कस की जा रही है जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं या फिर आती रहती हैं, तो आपको एकदम भूलना नहीं है, एकदम रेगुलर इस लेक्चर को देखना है और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है, तो एकदम आप चलते रहना है। तो टाइम बहुत कम बचा है इसलिए मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जिक्र नहीं करूंगा, तो आपको भूलना नहीं है, एकदम जुड़ते रहना है, और एकदम आराम से करो, आप आराम से पढ़ते रहो, कोई डरने वाली बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, आराम से आप अच्छा करोगे। तो बहुत चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर दी है, आई होप आपने सारा चीज इसको रिवाइज कर रखा है, आपने सारे चीजों को आपने रिवाइज करोगे एक बार और एक बार और आप देखोगे इसको, एक बार और देखोगे और हर चीज को आप नोट करते रहोगे, हर चीज को आप नोट करते रहोगे, हर चीज को आप नोट करते रहोगे, तो आपको एकदम भूलना नहीं है, एकदम हम लोग फ्लो में चल रहे हैं, हर रोज लेक्चर जाएगा। कल मकर संक्रांति थी आपको पता है, इसलिए हमने वो लेक्चर नहीं दिया था, सोचा कि आप लोगों पर भी प्रेशर बनता रहता है, इसलिए एकदम आराम से ओपनली पढ़ाई करना है, इंजॉय के साथ करना है, और तबाही मचानी है, और तबाही मचानी है, एकदम रिस्क लीजिए जिंदगी में, आप बहुत बड़ा करोगे, आप जो काम आप करना चाहते हो वो काम करो। आप स्टीव जॉब को आप जानते ही हो, तो उन्होंने भी बोल रखा है कि जब भी आप मिरर में सुबह उठो तो देखो, तो आप खुद से पूछो क्या मैं वही काम कर रहा हूं, कि अगर मेरे आखिरी मतलब मेरे लाइफ का आज आखिरी दिन रहता तो क्या मैं वही काम करता जो मैं अभी कर रहा हूं। स्टीव जॉब आपने जानते होंगे, तो उन्होंने बोला था कि आप मिरर के सामने जाओ तो खुद से पूछो क्या मैं वही काम जो काम मैं अभी कर रहा हूं, जो काम मैं अभी कर रहा हूं क्या मैं वही काम करता, क्या मैं वही काम करता। तो आपको भूलना नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप जुड़े रहना, नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, तो आपको भूलना नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और आपको फॉलो करते रहना है। तो स्टीव जॉब की लाइन थी कि आपको पता है कि आप खुद से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, खुद से आप पूछो कि आप क्या करना चाहते हो और फॉलो करते रहो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जरूर मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे, आपको बस साथ जुड़े रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।